गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइन में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है रिस्ट्रेन, यानी कि वो टॉपिक जो कॉमनली पूछा जाता है। एक प्रोसीजर होता है जिसके दौरान पे दीज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड, किसके अंदर इसका यूज किया जाता है, कैसे ये होते हैं, प्लस में कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इसकी पॉलिसीज है, ऑल टाइप्स ऑफ टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर टूडेज क्लास। आई होप यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड। सो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के, दैट इज रिस्ट्रेन क्या होता है। आर स्टैंड फॉर रिस्ट्रेन और आर स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज, यानी कि नाम से पता चल रहा है आपको इसका कि भाई साहब वो ऐसी डिवाइसेस जो किसी भी इंसान को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, रोक देती है, उस डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, रिस्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ थेरोप्यूटिक प्रोसेस। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ थेरोप्यूटिक प्रोसेस, यानी कि थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो यूज की जाती है, कौन सी डिवाइसेस, रिस्ट्रेंट्स दैट आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट, यानी कि उसकी एक्टिविटीज को रिड्यूस कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। फिर उसके बाद इसकी इंडिकेशन की बताऊं कि कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है। तो जो मेन इंडिकेशन होती है, जैसे वही अभी मैंने बताया, ड्यूरिंग द किसके अंदर, ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर के अंदर। देन इसके अलावा लाइक लंबार्ग पंचर वगैरह हो गया, ठीक है, लंबार्ग पंचर हो गया, इस टाइम पे भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, लंबार्ग पंचर होता है जो लंबार्ग वर्टिब्रे होती है उसके अंदर नीडल डाल के इंसर्ट किया जाता है CSF को टू एग्जामिनेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, दैट इज नोन एज लंबार्ग पंचर। तो उसके अंदर क्या जाता है, इसको स्पाइनल टैप भी कहा जाता है। देन इसके अलावा ड्यूरिंग द एनी प्रोसीजर, देन सेकंड नंबर पे क्या होता है कि सर रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज, वही बताया मैंने अभी आपको, रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और देन थर्ड नंबर पे इमोबिलाइज द पार्ट, यानी कि उस इमोबिलाइज द पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, रिस्ट्रेंट्स का। तो दीज आर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्ट्रेन एंड द डेफिनेशन एंड द इंडिकेशन ऑफ द रिस्ट्रेंट्स, वेयर दीज टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग और बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। उसके बाद में पॉलिसीज, भाई इसकी पॉलिसीज क्या होती है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, यानी कि भाई जब अपन रिस्ट्रेंस लगा रहे हैं तो अपन को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना चाहिए किस चीज का, कि हमेशा डॉक्टर्स ऑर्डर नीड होती है, यानी कि डॉक्टर्स ऑर्डर नीड के ऊपर रिस्ट्रेंस लगाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स ऑर्डर्स के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंड नंबर पे कॉन्सेंट ली जाती है पेशेंट से। ठीक है, कॉन्सेंट टेकन फ्रॉम द पेशेंट, कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि उससे परमिशन ली जाती है। ठीक है, कॉन्सेंट टेकन फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, ये तो हो गया कॉमन पॉलिसी। थर्ड वन जहां से क्वेश्चन आता है, विच इज वेरी मच कॉमन, स्टार मार्क कर लेना, एवरी टू आवर वी हैव टू ओपन द किसको, रिस्ट्रेंट को, यानी हर दो घंटे बाद में रिस्ट्रेंट ओपन होगा। उसके बाद में चेक एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, चेक एनी कॉम्प्लिकेशन चेक किया जाएगा कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है खोलने के बाद में, और अगर खोला नहीं है तो एवरी, क्वेश्चन यहां से आता है, एवरी 30 मिनट चेक फॉर रिस्ट्रेंट, चेक रिस्ट्रेंट कि सही ढंग से लगा हुआ है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं है, हर 30 मिनट बाद में चेक करना पड़ता है। देन सिक्स्थ वन विच इज जो कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि चेक CRT लेवल, यानी कि कैपिलरी रिफिल टाइम चेक किया जाता है, चेक CRT आफ्टर द किसके, रिस्ट्रेंट, यानी कि रिस्ट्रेंट के बाद में CRT वगैरह चेक किया जाता है, खोलने के बाद में ऑब्जर्व किया जाता है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ड्यूरिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, CRT सबसे पहले तो 2 से 3 सेकंड इसका टाइम होता है, याद रखना, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कहां किया जाता है, स्टर्नम के ऊपर किया जाता है, एक CRT होता है, स्किन ट्रिगर होता है,
ये जो सीआरटी होती है ये परफ्यूजन को बताता है कि भाई कितना परफ्यूजन वहां पे हो रहा है, कैसे क्या है, क्या नहीं है। और जो स्किन टर्गर होता है वो स्किन की इंटीग्रिटी को बताता है, जो डिहाइड्रेशन के अंदर कम हो जाती है, जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो स्किन टर्गर किसको बताता है, फ्लूड स्टेटस को बताता है बॉडी के, और कहां पे किया जाता है वो एब्डोमेन पे किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीआरटी से प्लस में किससे, इसके अंदर स्किन टर्गर की वजह से। ठीक है, बाकी इसके अलावा और मैं बताऊं सीआरटी के बाद में कलर वगैरह देख लिया जाता है। ठीक है, कलर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज या फिर कलर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आफ्टर चेकिंग द किसके लिए, आफ्टर चेकिंग आफ्टर एक्सट्रीमिटीज के लिए रिस्ट्रेंट लगाने के बाद में। ठीक है, रिस्ट्रेंट लगाने के बाद में किसका यूज किया जाता है सर, इसका चेक कराया जाता है किसका, कलर वगैरह डमनेस वगैरह तो नहीं हो रही है। तो दिस और एवरी 30 मिनट के बाद इसका यूज किया जाता है, और इसको बिना डॉक्टर ऑर्डर्स के ओपन नहीं किया जाता कभी भी। एक चीज ये याद रखना, कभी डॉक्टर्स के बिना परमिशन इसके अंदर नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर द होती है। ठीक है, और बाकी स्किन केयर वगैरह भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो इसके बाद में ओपन करने के बाद में रिस्ट्रेंस को। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रेंस व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर द किसके लिए, पेशेंट बिफोर और आफ्टर या फिर ड्यूरिंग द थेरेपेटिक प्रोसेस। टाइप्स के अंदर ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, मोस्ट कॉमनली पूछ जाती है, और इसके अंदर जो सारा सारे इंक्लूड हो जाएंगे। मैं यूरोप से सेफ्टी जैकेट, बस इतना लग रहा है, लाया आप इसको साइलेंट कर दो। ठीक है, तो कभी नहीं बोलोगे मैं यूरोप से सेफ्टी जैकेट, यानी कि एम स्टैंड फॉर मम्मी रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये फिजिकल होता है। ठीक है, देखो ये तो था किस, ये जो ट्रिक होती है ना ये होती है, ये टाइप्स होते हैं किसके, फिजिकल रिस्ट्रेंट्स के। ठीक है, फिजिकल रिस्ट्रेंट्स के टाइप होते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो दो टाइप और होते हैं, विच इज एक तो होता है फिजिकल, सेकंड नंबर होता है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट। ठीक है, रिस्ट्रेंट्स, और थर्ड वन विच इज केमिकल रिस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन यहां से कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको क्या होता है कि देखो एनवायरमेंट, ये फिजिकल तो मैं आपको बता ही रहा हूं, एनवायरमेंटल के अंदर क्या होता है, एनवायरमेंटल के अंदर क्या होता है, जैसे आजकल क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो क्वारंटाइन इज लाइक एनवायरमेंटल आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन वगैरह, क्वारंटाइन वगैरह, दीज आर ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी कि उस पेशेंट को अलग थलग कर दिया गया है किसी भी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करवाने के लिए, या फिर मोर कम्युनिकेट करवाने के लिए उसको रोक दिया जाना, एनवायरमेंट के द्वारा अलग कर देना, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। केमिकल रिस्ट्रेंस यानी कि सिडेटिव वगैरह दे दिया, उसको सुला दिया गया, जैसे हाइपोमेनिक पेशेंट होता है, हाइपरमेनिक पेशेंट होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस कंडीशन होती है, तो उस टाइम उसको सुला दिया जाता है, या फिर किसी भी सर्जरी से पहले उस पेशेंट को सुला देता है केमिकल के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, जैसे फेंटनिल हो गया, मॉर्फिन वगैरह ड्रग होती है जिसके द्वारा केमिकल रिस्ट्रेंट कर दी जाती है, उसको सुला दिया जाता है, उसकी जो एक्सेसिव एक्टिविटीज को कम कर दिया जाता है, तो उसको केमिकल रिस्ट्रेंस कहा जाता है। और फिजिकल रिस्ट्रेंस वो होता है जो अपन बाहर से बैंडेज वगैरह लगा के, प्लस में जैकेट वगैरह लगा के, प्लस में उसको और बाहर से मतलब कि बांध के जो रिस्ट्रेंट यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट्स। एनवायरमेंटल के अंदर आइसोलेशन क्वारंटाइन वगैरह होती है, अलग कर दिया जाता है, और केमिकल के अंदर मोरफिन और फेंटनिल ड्रग होती है, उनके द्वारा उसको सुला दिया जाता है, एक्टिविटीज को कम कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज अबाउट द केमिकल रिस्ट्रेंट, तो ये लिख लेना। अब एनवायरमेंटल ये तो हो गया, देन इसके अलावा ये पढ़ते हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट्स। फिजिकल रिस्ट्रेंट्स के अंदर भी कौन से वाला, मम्मी रिस्ट्रेंट्स, यानी कि फिजिकल के अंदर मम्मी रिस्ट्रेंट्स के अंदर क्या मतलब होता है कि सर मेनली यूज फॉर द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर द चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर क्या कहा जाता है कि सर स्टिचेस वगैरह ड्यूरिंग द स्टिचेस, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टिचेस वगैरह हो जाती है, उस टाइप इसका यूज किया जाता है, ड्यूरिंग द स्टिचेस वगैरह हो गया फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, प्लस में आई की थेरेपी के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, बाकी मेनली स्टिचेस वगैरह के अंदर होती है। ठीक है, किसके अंदर, मम्मी रिस्ट्रेंट्स के अंदर, मेनली यूज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर होता है। ठीक है, और स्टिचेस वगैरह लगते हैं, या फिर आई इरीगेशन वगैरह होती है, या फिर उसके अलावा लिप के ऊपर कोई सर्जरी वगैरह हो रही है, तो उसके ऊपर इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मम्मी रिस्ट्रेंट का। देन उसके बाद में सेकंड वन होता है विच इज एल्बो रिस्ट्रेंट, यानी कि ई स्टैंड फॉर यूरोप, मम्मी स्टैंड फॉर मैं, ई स्टैंड फॉर यूरोप, ई स्टैंड फॉर एल्बो। एल्बो रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि सर इट इज यूज्ड फॉर ड्यूरिंग द आईवी थेरेपी, यानी कि आईवी थेरेपी के दौरान इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये मेनली क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि क्लेफ्ट पैलेट के अंदर कौन सा रिस्ट्रेंट यूज किया जाता है, तो हमेशा एल्बो रिस्ट्रेंट यूज किया जाता है, मेनली क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के ऊपर यूज करने वाली जो स्प्लिंट होती है, सॉरी रिस्ट्रेंट होती है, दैट इज एल्बो रिस्ट्रेंट होती है। देन इसके अलावा थर्ड नंबर पे क्या होता है सर, सी यानी कि क्लब हिच, क्लब हिच रिस्ट्रेंट होती है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। मैं यूरोप से क्या सी से क्लब हिच होती है, इसको रिस्ट एंकल रिस्ट्रेंट भी कहा जाता है। कैसे, देखो इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये पेशेंट है, ठीक है मान के चलिए, ठीक है इसके ये हाथ है, तो यहाँ पे जो साइड एंगल के ऊपर ये जो बांध दी जाती है, यहाँ से ये हाथ बांध दी जाती है, इधर से ये पैर बांध दी जाती है, इधर से ये पैर बांध दी जाते हैं, तो चारों पैर चारों कोनों पे बांध दिए जाते हैं, क्लब हिच होती है, इसीलिए इसको रिस्ट एंकल रिस्टेंट कहा जाता है। ये भी आईवी थेरेपी के अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है, आईवी थेरेपी के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर ईसीटी वगैरह के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। तो दिस टाइप्स ऑफ रिस्टेंट्स आर यूज्ड इन द क्लब हिच रिस्टेंट, किसके अंदर रिस्ट एंकल कहा जाता है और आईवी थेरेपी के अंदर इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद होता है सेफ्टी जैकेट, यानी कि मैं यूरोप से सेफ्टी जैकेट, यानी कि एस स्टैंड फॉर सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब ये होता है कि सेफ्टी बेल्ट आती है जब कोई भी पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह, फिर वन वार्ड से सेकंड वार्ड के अंदर, ड्यूरिंग दैट शिफ्टिंग ऑफ दैट पेशेंट वी यूज सेफ्टी बेल्ट टू प्रिवेंट द फॉल डाउन इंजरी, कि वो पेशेंट गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, उसको प्रिवेंट करवाने के लिए सेफ्टी यूज की जाती है, दैट इज नोन एज सेफ्टी बेल्ट। देन इसके अलावा ठीक है, ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट लिखता है, ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, सेफ्टी बेल्ट। लास्ट है दैट इज जैकेट रिस्ट्रेंट। जैकेट रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, जैकेट रिस्ट्रेंट का मतलब बस ये होता है कि वी हैव ए मैनिक पेशेंट, यानी कि कोई अपने पास में मैनिक पेशेंट है, या फिर कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, या फिर एल्कोहलिक विड्रॉल पेशेंट है, तो उस टाइम पे उसको जैकेट लगा दी जाती है, पूरे के पूरे की तरफ जैकेट लगा दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो हाइपर एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है, हाथ पैर बंद हो जाते हैं, और वो किसी को चोट ना पहुंचा पाए, खुद को चोट ना पहुंचाए, प्लस में स्टाफ को अगर कोई भी इंजरी ना कर पाए, तो उसको यूज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए जो फिजिकली रिस्ट्रेंट यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है जैकेट रिस्ट्रेंट कहा जाता है। बाकी मैंने आपको मम्मी का बताया, मम्मी रिस्ट्रेंट के अंदर भी क्या होता है कि बच्चे के अंदर यूज किया जाता है, शोल्डर से लेके वेस्ट तक चारों तरफ बैंडेज लगा दी जाती है टू प्रिवेंट द, किसके लिए, कोई भी इंजरी से, या फिर ड्यूरिंग द थेरेपेटिक पर्पस से एक्टिविटी को रिस्ट्रेंट करने के लिए। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पॉलिसी से पूछे जाते हैं, हर दो घंटे बाद में खोलनी पड़ती है, और सीआरटी चेक करते हैं सीआरटी का टाइम कितना होता है, कहाँ होती है, किंडरगार्टन कहाँ होती है, प्लस में कहाँ की जाती है, प्लस में इसके अंदर हर 30 मिनट बाद में ऑब्जर्व करना पड़ता है, याद रखना क्वेश्चन कहाँ से आता है, या फिर मम्मी रिस्ट्रेंट्स या फिर एल्बो रिस्ट्रेंट्स, विच इज वेरी मच कॉमन और वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी, इतना ही था इसके अंदर रिस्ट्रेंट के अंदर, और अगर यहाँ तक देखिए तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, चैनल आपका ही है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी को नमस्कार।